दोस्तों, नासा ने सूरज को छूने की तैयारी की है। उनका यह मकसद स्पेस क्राफ्ट पार्कर प्रोब से होने वाली है। 12 अगस्त 2018 को इस यान को डेल्टा 4 रॉकेट से कैप कैनवरल स्टेशन से भेजा गया है। यह प्रोब सीधे सूर्य के कोरोना का चक्कर लगाएगा। यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा। यह 85 दिन बाद 5 नवंबर को यह सूर्य के कक्षा में पहुंचेगा। अगले 7 साल तक ये सूर्य के कोरोना के 24 चक्कर लगाएगा। इस यान का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर यूजिन एन पार्कर के नाम पर रखा गया है। इन्होंने 1958 में पहली बार अनुमान लगाया था कि सौर हवाएं होती है और आवेशित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की धारा भी होती है जो सूर्य से निकलती रहती है। जब ये धाराएं तेजी से निकलती है तो धरती पर उपग्रह लिंक प्रभावित होती है। ऐसा क्यों होता है, अब इस यान से पता लगाया जाएगा। नासा के वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते हैं कि सूर्य के सतह से कोरोना ज़्यादा गर्म क्यों है, जो कि इस यान से पता लगाया जाएगा। कोरोना सूर्य की बाहरी एटमॉस्फेयर को कहा जाता है। अगर हम आग के पास होते हैं तो गर्मी अधिक लगती है। जब आग से दूर होते हैं तो हमें गर्मी कम लगती है, पर सूर्य के साथ ऐसा नहीं होता है। सूर्य की सतह की गर्मी 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जबकि इसकी बाहरी एटमॉस्फेयर कोरोना का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक होती है। कोरोना इतना गर्म क्यों है, अब यह पता लगाया जाएगा। और नासा के वैज्ञानिक सूर्य से निकलने वाली किरणों और सौर आंधी पर शोध करना चाहती है। इसका असर अब हम पर पड़ता है तो कभी टेक्नोलॉजी पर, तो कभी स्पेस क्राफ्ट संचार सेवाएं बाधित हो जाती है, पावर ग्रिड के काम में रुकावट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह भी पता लगाया जाएगा इस यान के द्वारा। यह यान सूरज की सतह से 64 लाख किलोमीटर दूरी से सूर्य की कक्षा पर चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1496 करोड़ किलोमीटर है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, सूर्य के इतनी नज़दीक पर यान जलकर खाक हो जाएगा। दोस्तों, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस यान को 12 सेंटीमीटर मोटे कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड से घेरा गया है जो 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान सहेगा। इतनी गर्मी में स्टील पिघल जाती है और यह धरती से 500 गुना ज़्यादा रेडिएशन झेलेगा। यह यान पार्कर प्रोब एक सेकेंड में 190 किलोमीटर दूरी तय करती है। इंसान द्वारा अब तक बनाए गए सभी चीज़ों से ज़्यादा तेज रफ्तार है और यह यान 11 लाख लोगों का नाम अपने साथ ले जा रहा है और इस अभियान की लागत 1.5 अरब डॉलर है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा साइंस, नेशनल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज़ की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।